ये देखें कितनी जूसी यमी सी ब्राउनी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टॉप फूड्स। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट ब्राउनीज, जो हर किसी की पसंदीदा होती हैं, बच्चों बड़ों सबकी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं। अगर अंडे रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं तो 10 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रख दें, और अगर फ्रिज में पड़े हुए हैं तो 10 मिनट पहले उसको निकाल दें बाहर। यहाँ पर मैं 100 ग्राम बटर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा पीस है, ये देखें, ये मैं कुकिंग चॉकलेट का यहाँ पर यूज कर रही हूँ। थोड़े से मैं यहाँ पर वॉलनट्स यूज कर रही हूँ। कोको पाउडर लिया है मैंने 3/4 कप। मैदा लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप। कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 1/2 कप। और ये पाउडर चीनी है 1 कप। और ये थोड़े से ड्रॉप जाएंगे वनीला एसेंस। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर 3 अंडे जो मैंने लिए थे वो निकाल दिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसको बीटर चलाऊंगी और इसको फ्लफ करूंगी। अब इस स्टेज पे जब अंडे फ्लफ हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूंगी ये जो पाउडर शुगर थी 1 कप के करीब, इसको मैं ऐड कर दूंगी। ये पाउडर चीनी ऐड करके मैं इसको दोबारा बीट करूंगी। अच्छा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि आपने किसी भी चीज़ को डाल के ओवर बीट नहीं करना, फिर आपकी ब्राउनीज इतनी अच्छी नहीं बनेगी। बस जिस स्टेज पे जो चीज़ डाली है वो मिक्स हो जाए उधर तक ही बीटर को आपने ऑफ कर देना है। अब ये देखिए, अंडों के अंदर चीनी अच्छी बीट हो गई है, तो इस स्टेज पर मैंने ये जो बटर लिया था इसको छोटे चंक्स में कट कर लिया और मैं वो डाल, ये इसमें बटर चला गया है। साथ ही इस स्टेज पे मैं इसमें ये जो ऑयल लिया था वो भी ऐड कर दूंगी और इसको अगेन बीट करूंगी। व्यूअर्स, यहाँ पर देखें, ये सारा अच्छे तरीके से बटर जो है बीट हो गया है इस मटेरियल में। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस अगर आपके पास है तो आप डालें, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी मज़े की ब्राउनीज बनती हैं कि बिल्कुल भी इसमें अंडे की स्मेल नहीं आती। इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। दैट्स इट। अब इस स्टेज पे जो मैंने 3/4 कप कोको पाउडर लिया था वो इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चॉकलेट लवर नहीं हैं तो आप इसमें से ये जो क्वांटिटी मैंने ली है 3/4 कप कोको पाउडर की, इसमें से आप 2 टेबल स्पून निकाल भी सकते हैं। ये मैं आपको बार बार यही बात कर रही हूँ कि आपने इस मटेरियल को ओवर बीट नहीं करना है। जब ये सारा कोको पाउडर इस मटेरियल के अंदर अच्छा मिक्स हो गया है, अब लास्टली हम इसके अंदर ये जो मैंने 1 कप मैदा लिया था वो ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसको फिर हम बीट करेंगे थोड़ा सा। ये देखें, बस इसको यहाँ तक ही मैं बीट करूँगी। बस ये देखें, पूरा हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे ये जो मैंने चॉकलेट रखी थी कुकिंग, उसके मैंने छोटे छोटे चंक्स किए हैं और उसमें मैं ऐड कर दूंगी। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो वो भी आपकी मर्जी, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऐड करने से होगा कि कुकिंग चॉकलेट जो होती है वो पकती नहीं है, कुक नहीं होती, तो जब ये ब्राउनी बेक होगी इसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे चंक्स आएंगे। व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पर मैंने बेकिंग मोल्ड ले लिया है, उसके अंदर ऑयल ब्रश कर बटर पेपर लगा दिया है, और अब सारा जो मैं ब्राउनी का मटेरियल है वो उसके ऊपर डाल के आपको दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने मोल्ड में सारा मटेरियल डाल के ऊपर मैंने वॉलनट के चंक्स करके डाल दिए हैं। अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ, जिसका टेम्परेचर मैंने सेट किया 170 डिग्री पर, और उसको मैं बेक करूँगी 25 मिनट्स के लिए। मीनवाइल अगर ये पहले कुक हो गया तो मैं 20 मिनट्स बाद इसको चेक भी करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ब्राउनी 20 मिनट्स में बहुत अच्छी बेक हो गई है, बिल्कुल ये स्टिक साफ निकली है। व्यूअर्स, ये देखिए, ब्राउनी मेरी 20 मिनट्स में 170 डिग्रीज पे बहुत अच्छी बेक हो गई है। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको इसी मोल्ड में पड़ा रहने दूंगी, और उसके बाद मैं इसके पीसेस कट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी जूसी यमी सी ब्राउनी बनी है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी मज़ेदार सी चॉकलेट ब्राउनीज की। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलें व्यूअर्स, फिर मिलूंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।